दोस्तों, अगर आपको इंस्टाग्राम पर किसी अकाउंट से प्रॉब्लम है या कि किसी के कंटेंट से प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी अकाउंट अपने अकाउंट पर रील डालता है, कोई भी पर्सन कोई फोटो डालता है, उससे आपको प्रॉब्लम है, उसकी आप रिपोर्ट करना चाहते हैं जिससे उस अकाउंट पर कुछ एक्शन ले सके इंस्टाग्राम, तो आज की वीडियो में आपको यही सब प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी अकाउंट के लिए इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे भी किसी कंटेंट को या फिर किसी अकाउंट को डिलीट करवा सकते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और सिखाता हूँ आपको कैसे रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको जैसे कोई भी रील अगर आप देख रहे हैं, जैसे मुझे होम पेज पर कोई रील दिख रही है, फिर कोई पोस्ट है, किसी भी चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, जैसे भाई मुझे ये वाला ये वीडियो मुझे पसंद नहीं आ रही, भाई ये वाली वीडियो, अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर इसके राइट साइड में थ्री डॉट दिख रहे हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे रेड कलर में शो हो रहा है रिपोर्ट, रिपोर्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपको क्यों पसंद नहीं है रील, किस वजह से आप इस पर रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो भी ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट कर लेना, रिपोर्ट आपकी इंस्टाग्राम पर सबमिट हो जाएगी। अब इंस्टाग्राम चेक करेगा इस रिपोर्ट को जो आपने की है, इंस्टाग्राम चेक करेगा और अगर उसको लगता है कि भाई इस कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है, तब जाकर उस पर वो एक्शन लेगा, हो सकता है इसको डिलीट भी कर दे, लेकिन आपको ये रील है जो ये वीडियो है आपको रिपोर्ट के बाद शो नहीं होगी, मतलब आपके होम फीड पर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको किसी अकाउंट से ही प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कंटेंट के लिए रिपोर्ट तो कर दी, लेकिन ये कंटेंट है, ये अकाउंट ओनर है जो ये बार बार ऐसे ही कंटेंट डाल रहा है जिससे मुझे इससे प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, इस अकाउंट पर ही क्लिक कर देना है, इसके यूज़र नेम पर क्लिक किया, इसके अकाउंट में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे कोई रील है, रील देख लेना, नहीं तो मुझे इसके अकाउंट की रिपोर्ट करनी है, इसके अकाउंट के नाम के सामने, यूजर नेम के सामने थ्री डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर से थर्ड नंबर पर शो हो रहा है रिपोर्ट का ऑप्शन रेड कलर में, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें बता रहा है अगर आपको किसी अकाउंट इस अकाउंट की किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट से प्रॉब्लम है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना है किस पोस्ट के लिए आप रिपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आपको इस अकाउंट से ही प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर शो हो रहा है समथिंग अबाउट दिस अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपको बता देना है क्या प्रॉब्लम है, उस वजह से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ और रिपोर्ट आपकी इंस्टाग्राम पर सबमिट हो जाएगी। अब आपको बता दूं कि अगर आप, हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो किसी अकाउंट से सच में एक तरह से नफरत करता हो और वो सही कंटेंट होने के बाद भी इंस्टाग्राम पर बार बार रिपोर्ट कर रहा है, या फिर आपके अकाउंट के लिए कोई बार बार रिपोर्ट कर रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी इंस्टाग्राम पर अगर आप किसी भी अकाउंट के लिए रिपोर्ट करेंगे, किसी पोस्ट के लिए रिपोर्ट करेंगे, तो वो मल्टीपल क्वांटिटी में रिपोर्ट इंस्टाग्राम पर सबमिट होनी चाहिए। आपकी एक रिपोर्ट से किसी भी पोस्ट पर, किसी भी अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब मल्टीपल क्वांटिटी में आप इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट कर देंगे, मान लो आपने हज़ारों फेक अकाउंट से किसी फ्रेंड वगैरह सबसे रिपोर्ट करवा दी किसी अकाउंट के लिए, तो भी इंस्टाग्राम चेक करेगा, अगर उसको कंटेंट में या उस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ अगर वो अकाउंट कंटेंट डाल रहा है, तभी वो अकाउंट के लिए एक्शन लेगा। जरूरी नहीं इंस्टाग्राम डिलीट कर देगा, आपके कहने से तुरंत डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं है। अकाउंट कोई मतलब इंस्टाग्राम को चेक करेगा और चेक करने के बाद अगर आप उसको कुछ नज़र आती है, कुछ गलती उसमें, तो एक्शन लेगा, और एक्शन कौन सा होगा वो खुद डिसाइड करेगा, हमारे कहने से अकाउंट डिलीट नहीं होगा। बस हम रिपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, बस आपको रिपोर्ट करने का काम है, वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रिपोर्ट कैसे करते हैं, और कोई सवाल है मन में तो मुझे कमेंट कर देना। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।